हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज वापस से थोड़ी यादों के साथ। हाँ, 69 सब्सक्राइबर हो गए हैं। देखो, मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर ऑब्वियसली बहुत सेलिब्रेट, मतलब खुश होऊंगा उस दिन, बट छोटी छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हाँ, एक मिस्टेरिकल नंबर या कह सकते हो एक जादुई नंबर जो लोग मानते हैं 69, हाँ वो उतने सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए हैं। तो इस पर भी कुछ स्पेशल करते हैं, थोड़ा तरंगी सा। तो इसी खुशी के अवसर पर मैंने सोचा कि मैं इतनी सारी मूवीज रिव्यू करता हूँ, साउथ की हो गई, टॉलीवुड, मॉलीवुड, बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो वाई नॉट अपनी जो चीज़ें हैं जो मैंने काम करे हैं या जैसे भी करें उस पर बात करें। तो शायद से तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कुछ बना भी देता हूँ कभी कभार, ऐसे ही दिमाग में आया तो कर देते हैं काम हो वाले, ठीक है। तो आज मैं पहली बार बात करूंगा मेरी इस चैनल पे मेरे पहली शॉर्ट फिल्म की, जिसका नाम है स्टक ऑन यू। तो ये जो स्टक ऑन यू मूवी है या शॉर्ट फिल्म कह सकते हो, ये जो है ये मैंने उस थॉट पे बनाई है जो हमारे जहन में हमेशा रहता है कि वो थी कभी, और शायद से कुछ लोग उस पे ही रह जाते हैं कि वो है कहीं। तो वो जो होती है ना, वो अंदर बस जाती है वो चीज़ कि वो उस वो के बारे में ये पूरी मूवीज कह सकते हो। हाँ, और उसी को मैंने एक तरीके से अपने भाषा में आपने उसमें डिपिक्ट करने की कोशिश करी है कि लौंडे कितने ही मासूम होते हैं कि वो चली गई है, वो निकल चुकी है कोसों मील दूर पहाड़ों पे या कहीं और, बट लौंडे अटके हुए हैं वहीं, क्योंकि लौंडों को नहीं समझ आ रही कहाँ जाना है। लौंडे वहीं कोई भी चीज़ देखते हैं कि अरे फील हो गया। तो ऐसी एक मूवी थी, अगर तुम्हें नहीं पता हो, साउथ की एक मूवी है, दो पार्ट में रिलीज हुई थी। देखो, मेरे को नाम याद नहीं है, बट मैंने मूवी देखी और वो रोमांस थ्रिलर मूवी है। उस मूवी का मैं दोनों पार्ट का नाम यहाँ डाल देता हूँ। और वो मूवी देखते देखते उसका फर्स्ट पार्ट मैंने जो ख़त्म किया, उसके बाद में मेरे को वो हिट करा और उस थॉट के ऊपर ही मैंने पूरी मूवी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो ये तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल पर, इसका नाम है लैकी बॉय। हाँ, उसका नाम लैकी बॉय है। तो उस पर तुम्हें और भी चीज़ें मिलेंगी इस शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड। एक और शॉर्ट फिल्म डाली, उस पर 100 पे बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी है जिस पर मैंने मेहनत करी है, उस पर बहुत कम व्यूज हैं इस वाली से, बट वो अच्छा वर्क है, मैं उसको लिख सकता हूँ कि हाँ, दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ अभी, लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, बट वो ये ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो भी एक दिन करेंगे, क्योंकि वो क्राउडेड प्लेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा शॉट करेंगे, स्टोरी मेरे दिमाग में है और उसका ट्रेलर लाऊंगा, अगर जब भी बनाऊंगा उसका ट्रेलर लाऊंगा फुल्ली। बट हाँ, अभी उसके लिए मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ, उसमें मैंने सोचा है कि तीन पार्ट में रिलीज करेंगे उस वीडियो, चाहे वो कितनी भी ड्यूरेशन की, उसको तीन पार्ट में रिलीज करेंगे अलग अलग। इस मूवी को अगर तुमने नहीं देखा तो देखो जाके, और ये उस फीलिंग को डिनोट करती है। अब इसको ना, अब जैसे मैं बता ही रहा हूँ तो मेरे जहन में क्या था या जो इस और जो इस शॉर्ट फिल्म में डाली है मैंने चीज़ें, वो ऑडियंस को और भी अच्छे से समझ आने पे मजबूर कर देंगे। मैं सोच क्या रहा था बनाते हुए, तो पहला शॉर्ट है कि जो बंदा है, जो भी कैरेक्टर है, वो मूवी देख रहा होता है और उसको ना लास्ट टोन जो उस गाने की होती है, सेट टोन हिट करती है, और वो अपने दिमाग में उसके अपने प्यार के बारे में सोचने लग जाता है जो अधूरा रह गया, जो कि कभी शायद से पूरा होने के लिए था ही नहीं। और वो जब वो उसके बारे में सोच रहा होता है और जब वो खो जाता है उसके अंदर, उसकी आवाज़ें उसके कानों में चल रही होती हैं, जब वो चल के जा रहा होता है अपना मुंह धोने, तो उसमें भी उसके कानों में चल रही होती है उसकी आवाज़, वो उसी लिए डाला है, वो जो बैकग्राउंड में स्कोर चल रहा है वो उसी का रेफरेंस है कि वो लड़की की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। फिर वो वापस आता है, बैठता है और कोशिश करता है कि शायद से इस बार, शायद से सिर्फ इस बार वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बोल दे, बस बयां कर दे उसके आगे। बट फिर उसे ख्याल आता है कि इससे कुछ बदलेगा, जो उसका प्यार है उसके प्रति या जो उसने सोच रखी है जो कहानी एक होने के लिए, वो शायद से कभी उसके लिए है ही नहीं, वो कभी पूरी हो ही ना, इसलिए वो लिखी गई है। तो हाँ, ऐसी बातों पर ये पूरी शॉर्ट फिल्म है जो कि मजबूर करती है आशिकों को आशिकी में रह जाने के लिए और डूब के उसी में सो जाने के, कहीं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अच्छा निकल रहा है जब भी उसके बारे में सोचें, वो चीज़ है। तो तुम्हें ये कैसी लगी शॉर्ट फिल्म, तुम देख के बताओ। मैंने जो इनपुट देना था मैंने दिया। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम खुद भी देख सकते हो और तुम पॉइंट आउट करोगे तुम्हें क्या अच्छा लगा शॉर्ट फिल्म में। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो वो भी पॉइंट आउट करो और क्या अच्छा लगा वो पॉइंट आउट करो। तब तक के लिए मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना और खुश रहना, क्योंकि मैं आता रहूँगा, खुश करता रहूँगा। तब तक के लिए सोचते रहो, बाय बाय। लौंडा मूव ऑन कर ही जाओ, क्योंकि मूव ऑन ही करना पड़ेगा, नहीं तो रह जाओगे आखिर में मूवी के टाइटल के नाम की वजह से स्टक ऑन यू।